आपका स्वागत है एफ टू फ्रीकिंग फैक्ट में। अविष्कार, ये सब सबने सुना होगा और सबको पता भी होगा कि अविष्कार होता क्या है। वैज्ञानिक कई कई सालों तक किसी भी चीज के अविष्कार के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वह टीवी का अविष्कार हो, हवाई जहाज का अविष्कार हो या बिजली का अविष्कार हो। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई अविष्कार गलती से या अनजाने में हुआ हो? अगर नहीं सुना तो हम बताते हैं कि वो अविष्कार कौन कौन से हैं जो कि बिना मेहनत के और अनजाने में हुए हैं। पहला है आलू के चिप्स। हम सभी को आलू के चिप्स खाने पसंद होते हैं, लेकिन इसका आविष्कार जॉर्ज क्रम के गुस्से के कारण हुआ था। ये किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाते थे। एक दिन एक कस्टमर आया और उसने फ्राई पोटैटो मंगाया। जब जॉर्ज ने फ्राई पोटैटो दिया तो उसने यह कहकर वापस रख दिया कि यह ड्राई और क्रंची नहीं है। बार बार जॉर्ज दूसरे बना के ले जाते और कस्टमर यही कह के रख देता कि यह ड्राई और क्रंची नहीं है। चार पांच बार उस कस्टमर ने ऐसा ही किया। इस सबसे गुस्सा होकर जॉर्ज क्रम ने आलू को एकदम पतला काटा, ग्रीस में तल दिया और नमक मिला के दे दिया, और यह डिश उस कस्टमर को बहुत पसंद आई और तब से यह डिश आलू चिप्स के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरा है कोका कोला। इस दुनिया में लगभग सभी ने कम से कम जीवन में एक बार कोका कोला जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका आविष्कार जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हो गया था। जी हाँ, जॉन पेम्बर्टन स्टाइस नाम के फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वो सिर दर्द के इलाज के लिए कोला नट और कोला की पत्तियों को मिलाकर प्रयोग कर रहे थे। कोला नट एक प्रकार का फल होता है जो कि कोला ट्री के फल का बीज है। पेम्बर्टन स्टाइथ के असिस्टेंट ने गलती से कोला नट और कोला नट की पत्ती को कार्बोनेटेड पानी में मिला दिया और ये एक पेय पदार्थ बन गया और कोका कोला नाम से मार्केट में आया। शुरुआती दिनों में यह मेडिकल शॉप या दवाओं की दुकान पे मिला करता था। तीसरा है पटाखे। जी हाँ, सही सुना आपने, वही पटाखे जो दिवाली में फोड़े जाते हैं। दिवाली के अलावा भी कई शुभ अवसरों पर फोड़े जाते हैं। पटाखों का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। एक बार एक चाइनीज कुक अपने किचन में कुछ बना रहा था और उसने चारकोल, सरफल और सॉल्ट पेपर, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं, को एक साथ मिलाकर बांस की नली में डाल दिया। चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण को बांस की नली में डालते ही जोरदार विस्फोट हुआ और वहीं से पटाखों की शुरुआत हुई। चौथा है एक्सरे। एक्सरे, जी हाँ, एक्सरे, वही एक्सरे जिसे थोड़ी चोट लगने पर भी हम कहते हैं कि एक्सरे करवा लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सरे का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। एक बार विलहेम रोंटजेन कैथोडिक रेज ट्यूब का आविष्कार करने में लगे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जब लाइट चमक रही थी तो अपारदर्शी कवर होने के बावजूद भी इसके नीचे का पेपर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर रोंटजेन चौंक गए और इस तरह अनजाने में एक्सरे का आविष्कार हो गया। पांचवा है पेंसिलिन। जी हाँ, वही पेंसिलिन जिसका उपयोग हम घावों को भरने में करते हैं। एक बार महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाली एक चमत्कारी दवा बनाना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। जब कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सारा सामान गुस्से में बाहर फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो जिस जगह पर सामान फेंके गए थे वहाँ के आसपास के सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए थे, और इस चमत्कार से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैरान थे और इस तरह पेंसिलिन की खोज हुई थी। छठा है वेलक्रो। इसे आप सबने देखा होगा और उपयोग भी किया होगा। दरअसल एक ट्रिप के दौरान स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल ने बर्डॉक प्लांट के कुछ बीजों को आपस में चिपके हुए देखा। उन्होंने पाया कि ये किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाते हैं, और वे इस आइडिया को लेकर मेस्ट्रल ने कृत्रिम लूप तैयार किए और वेलवेट और क्रोचेट को मिलाकर वेलक्रो बना डाला। सातवां है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार भी पर्सी स्पेंसर की गलती की वजह से हुआ था। पर्सी स्पेंसर वैक्यूम ट्यूब के जरिए राडार से संबंधित रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च के लिए उन्होंने कई मशीनें बनाई थी। एक प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी कैंडी बार पिघलने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गए, और तब उन्होंने पॉपकॉर्न को उस मशीन में डाला और उन्होंने पाया कि पॉपकॉर्न फूटने लगा, और इस तरह अनजाने में माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।